हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल काव्या इंडियन ब्लॉगर। आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं 8 और हम उठ के मैंने झाड़ू वाड़ू लगा लिया है, सब कुछ काम कर लिया है। बस इसके बाद मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी बातचीत हो जाए, इसके बाद मैं फिर आगे ब्लॉग डालती हूँ और आप लोगों से बात करते करते अपना काम निपटाती हूँ। क्योंकि जैसे ही एक दिन हो जाता है, तबीयत कुछ सही है अभी समय, लेकिन ज़्यादा तो नहीं सही है, लेकिन थोड़ी बहुत तो सही है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो मैं सारा काम कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, दूध ले आई हूँ और दूध लेने के बाद मैंने झाड़ू लगाई है। सबसे पहले झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद फिर इसके बाद फिर हम जा रहे हैं चाय बनाने के लिए। चाय पियेंगे बच्चे फ्रेंड्स। तो इस समय बहुत ही ज़्यादा बीमारी फैली हुई है। आप लोग घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाहर निकलने में तो इतना डर लगता है फ्रेंड्स कि क्या बताया जाए। बाहर निकलो बहुत ही डर लगता है, इतना कोरोना हुआ है फ्रेंड्स। तो मेरी चाय बन गई है और तो मैंने ये ब्रेड तल दी है इनको गर्म करके घी में, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, अब मैंने नहा लिया है, नहा के पूजा वूजा कर ली है और जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो आज नाश्ते में मैंने बनाया है दलिया, क्योंकि उल्टा सीधा खाना नहीं खा रहे हैं इस समय, क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही है, इसीलिए हेल्थी फूड ही ले रहे हैं, बच्चों को भी वही खिला रहे हैं। तो मैंने बनाया है दलिया, थोड़ा सा दूध डाल दिया और इसके बाद फिर हम इसमें चीनी डाल दी है। अच्छे से पक गया है दलिया हमारा और बस अब हम जा रहे हैं इसमें दूध डाल के बच्चों को दे देंगे और हम लोग भी खा लेंगे। यही सब नाश्ता चलता रहता है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, ऊपर से कोरोना भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, वायरल फीवर फैला हुआ है, तरह तरह की बीमारियाँ फैली हुई सुन के बहुत डर लग रहा है। बहुत ही लोग एक्सपायर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हर जगह, गाँव में जहाँ भी देखो आप, हर जगह बीमारी बीमारी फैली हुई है। तो फ्रेंड्स, मेरा दलिया बन गया है, अब मैं जा रही देने के लिए। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ नहा धो के और पूजा पाठ करके सब कुछ के। तो अब बस कंघी करने जा रही हूँ, कंघी करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना दोपहर का। तो मैंने सोचा चलो खाना आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और बोरिंग हो जाता है, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो फिर बोरिंग सा लगने लगता है, इसलिए मैंने सोचा चलो कि मैं ही बात कर लेती हूँ आप लोगों से। तो मैंने बनाई है आज, जब घर में कुछ नहीं होता क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी, घर में कुछ नहीं था, तो मैंने आलू और प्याज आम डाल के सब्ज़ी बनाई हुई है, वो भी बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोग भी बनाइए, जब घर में कुछ ना हो तो आप लोग आलू आम प्याज की सब्ज़ी भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बीमारी फैली हुई, इतना डर लगता है बाहर निकलने में, क्या बताएं। तो फ्रेंड्स, अब बच गए हैं शाम के 4 और बच्चे बोले कि जब लॉकडाउन है कुछ खाने को नहीं मिलता चटरपट, तो मैंने सोचा चलो आलू के फिंगर ही बना लेते हैं घर पर। तो ये हम दाए थे इस तरह के लंबे लंबे पीस, काट लिए, छील लिए हैं आलू को, और छीलने के बाद इनको मैंने काट लिए हैं ये इस तरह के पतले पतले पीस। अगर आप बड़े आलू लेंगे तो ज़्यादा लंबे पीस निकलते हैं, छोटे छोटे आलू थे तो इसलिए इसमें छोटे छोटे पीस निकले हुए हैं। तो मैंने इससे बना लिए हैं, ये हमारे फिंगर बनाने वाली जैसे चिप्स की मशीन होती है उसी टाइप की है। और मैंने बस रख दिया फ्राई पैन, उसमें डाल दिया पानी और थोड़ा सा नमक, जैसे ही खोलने लगेगा तो उसमें मैं डाल दूँगी अपने ये फिंगर। ये मेरे बनकर रेडी हो गए हैं, मैंने डाल दिया है पानी में, पानी मेरा खोल रहा है। ये देखिए, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए हम ढक देते हैं, ढक करके पकाएंगे। वो ज़्यादा नहीं पकाना है, जैसे खूब खोलने लगता है वैसे, जिस तरह से आप चिप्स बनाते हैं बस उसी तरह से ही बनाना है इनको। तो मैंने पानी रख दिया है, पानी मेरा खोल रहा है, बस खोल गया जैसे, उसी तरह मैंने फिंगर डाल दिए। इसमें कलर नहीं थे मेरे पास तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही बना लेते हैं बस, इसका ये जैसे एक उबाल आई वैसे मैंने छान लिया। अब इसको छान लेती हूँ, छानने के बाद बस फ्राई कर दूँगी। तो इसका मैंने पानी सारा निकाल दिया है, बस थोड़ी देर के लिए इसको प्लेट में रख दूँगी ताकि बिल्कुल मॉइस्चराइज़ इसका निकल जाए। और जैसे इसका मॉइस्चराइज़ निकल जाता है, जिस छन्नी में रखा रहेगा पानी सारा निकल जाएगा, बस हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई रख दी, कढ़ाई में डाल दिया तेल, तेल हमारा जैसे गर्म हो जाएगा वैसे ही हम इनको डाल देंगे। तो आपको धीमी फ्लेम रखनी, ज़्यादा तेज नहीं करनी है, नहीं तो फिर वो जल जाएंगे, अंदर से पक नहीं पाएंगे। धीरे धीरे पकाना है बहुत ही अच्छी तरह से, तो गोल्डन ब्राउन ये हो जाते हैं। अगर आपके पास कलर है तो आप कोई भी कलर डाल सकते हैं, मेरे पास कलर नहीं था तो मैंने सोचा जो घर में अवेलेबल है उसी से बना लेते हैं। बच्चों के लिए कुछ हो जाएगा चटपटा खाना, क्योंकि अब बाहर का कुछ खा भी नहीं सकते, ऊपर से लॉकडाउन भी चल रहा है तो कुछ भी नहीं खाते बाहर की चीज़, जो भी खाना है घर ही बनाते हैं, मोमोज वगैरह जो भी खाते हैं सब घर ही बनाते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो ये फिंगर बना लेते हैं। और चटनी बनाई मैंने टमाटर की,
टमाटर की चटनी मैंने नहीं दिखाई है, किसी दिन दिखा दूंगी, अभी आपको बता दे रही हूँ। मैंने टमाटर रख दिया था, पानी ऑयल होने के लिए रख दिया था और उसमें डाल दिया था टमाटर। टमाटर गल गए थे, उसमें दो लाल मिर्च डाल दी थी, खड़ी लाल मिर्च, और थोड़ी सी दो गली लहसुन की डाल दी थी। जैसे ही वो ऑयल हो गई थी, अच्छे से पक गई थी और टमाटर गल गए थे, सभी को निकाल लिया था, मिक्सी में पीस लिया था, उसी में थोड़ा जीरा डाल दिया था, हींग डाल दिया था, बस पीस के मैंने बना ली थी चटनी टमाटर की। तो वो बस मेरे पक गए हैं, देखिए आप फिंगर और ये चटनी। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आइए और खा जाइए, इसी तरह से घर में अच्छी अच्छी डिशें बनाइए और घर का ही भोजन खाना खाइए, बाहर का मत खाइए, क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही है। फ्रेंड्स, देखिए मेरे ये फिंगर गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और ये मैंने बनाई हुई है चटनी। बस ऐसे ही घर पे बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं, और आप भी खाइए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, बहुत ही मस्त बने हुए। थैंक यू।